सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप JSSC के एग्ज़ाम के अपडेट्स और JPSC के एग्ज़ाम के अपडेट्स, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल में सबसे पहले ले आते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड के जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। अगर आपने जनवरी मंथ की नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप जाके ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2017, दो मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन 2017 रांची में समाप्त। रांची झारखंड के खेलगांव में 16-17 फरवरी से 2017 के बीच दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIES 2017 का आयोजन ब्रांड नेम गति झारखंड के साथ किया गया। उद्देश्य, झारखंड में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और राज्य को पूर्वी भारत के मुख्य निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में झारखंड सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2017 को आयोजन किया गया। यह पहली बार है कि झारखंड ने निवेशकों की बैठक आयोजित की। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर सम्मेलन का संबोधित किया। महेंद्र सिंह धोनी इस इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे। शुभंकर, झारखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिति GIES 2017 के लिए फ्लाइंग रेड एलिफेंट शुभंकर था। ये एड फैक्टर मुंबई में स्थित एक पब्लिक रिलेशन और एक विज्ञापन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। शिखर वार्ता के बारे में, दो दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन GIES में 9,500 से अधिक विदेशी और घरेलू प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और पाकिस्तान जैसे 28 देशों के साथ साथ जापान, चेक गणराज्य, ट्यूनिशिया और मंगोलिया के 4 साझेदार देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 16 जनवरी 2017 का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेक इन इंडिया, अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी और माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट पर एक सेक्टर सेशन आयोजित किया गया था। 17 फरवरी को क्षेत्रीय 17 IT, ITS, EMCDM और स्टार्टअप उच्च पर आयोजित किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र और जूते। कुछ अग्रणी उद्योगपति और अन्य देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी सभा में मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी घोषणा किया कि 28 नवंबर, 29 और 30 नवंबर को 2018 में 3 दिवसीय प्रवासी झारखंड दिवस और 2019-20 में एक और वैश्विक निवेशक सम्मेलन होगा। करें वैश्विक निवेशकों के दिन समापन पर विभिन्न कंपनियों के साथ झारखंड साइंस 2209 समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करें। 17 फरवरी 2017 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के समापन दिवस पर झारखंड सरकार के 9 विभागों के बीच 209 समझौता ज्ञापनों पर विभिन्न कंपनियों के साथ 3,03,987 करोड़ रुपए मूल्य के हस्ताक्षर किए गए। 2,09,176 प्रत्यक्ष रोजगार बनाने की आशा है और राज्य सरकार के अनुसार 3,92,150 अप्रत्यक्ष रोजगार। MOU पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य विभाग शामिल, कृषि विभाग, पशुपालन और सहकारिता की 1900 करोड़ रुपए की कीमत, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण की कीमत 2060 करोड़ रुपए, 3,231 करोड़ रुपए मूल्य की उच्चतर एवं तकनीक शिक्षा विभाग, 8,499 करोड़ रुपए मूल्य का IT और ई गवर्नेंस विभाग। इसके अलावा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई कंपनियों को भूमि अधिकारों को भी सौंप दिया, जिसमें
शिखर सम्मेलन के समापन के दिन कुछ 2-3 महीने पहले MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने 300 करोड़ रुपए के साथ एक थर के पौधे की स्थापना के लिए लफार्ज भारत को 66 एकड़ जमीन सौंपी। इसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ने 85 लोगों को रोजगार का वादा करते हुए 85 करोड़ रुपए के निवेश से LPG बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए 58.86 करोड़ एकड़ जमीन सौंपी थी। अगर लास्ट खबर की बात करें तो यह है, झारखंड CM रघुवर दास ने लॉन्च की स्कीम। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में उन्नत जीवन अफोर्डेबल LED और उपकरणों के लिए सभी उजाला योजना के तहत ऊर्जा कुशल प्रशंसक और LED ट्यूब लाइट्स को शुभारंभ किया। इस योजना का ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड EESL विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासन के अधीन एक JV द्वारा कार्य निमित्त किया जा रहा है। झारखंड में EESL 25 लाख से अधिक LED ट्यूब लाइट्स और 1 लाख ऊर्जा कुशल प्रशंसकों को अग्रिम भुगतान पर लोगों का वितरित करने की योजना है। अनुमान है कि इस योजना से 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये फरवरी मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम जॉब रिगार्डिंग अपडेट्स, करंट अफेयर, JSSC से सारी अपडेट्स लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।